मैं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ तारिक रोड एनआईएस के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद है अहमद तरीन साहब जो नायब सदर भी हैं, और हमारे साथ मौजूद है सलीम उंडर साहब जनरल सेक्रेटरी तारिक रोड एनआईएस। इनसे बात करते हैं क्या कहना है महंगाई के हवाले। देखें, ये हर साल की तरह इंशाल्लाह इस साल भी हमारा कैंप लगेगा। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस का मरकजी कैंप जो है वो लेविश मॉल पर लगता है, तो इंशाल्लाह इस साल भी लगाएंगे। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस ने अपने ज़ाती खर्चे पे तारिक रोड पे कैमरे लगाए हुए हैं, जो हर साल बारिशों की वजह से या के इलेक्ट्रिक वजह से उनके केबलें वगैरह काट देते हैं। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा जो है ना, हम जो कैमरे लगे हुए हैं उनको जो है ना फाल करेंगे और मज़ीद कैमरे बढ़ाएँगे ताकि निगरानी की जा सके। गाड़ियों से चीज़ें चोरी हो जाती हैं, जैसे रमज़ान की आमद आमद होती है तो यहाँ पे देखा गया कि स्ट्रीट क्राइम के साथ साथ जो है पॉकेट मार खवातीन हैं, जेब कतरियाँ हैं, जेब कतरे हैं, गाड़ियों में से लोगों की चीज़ें चोरी हो जाती हैं, बच्चे हैं वो रश की वजह से इधर उधर हो जाते हैं। तो इस कैंप से जो है ना लोगों को बड़ी सहूलत मिलती है, और हम खुसूसी तौर पे पुलिस के आला अफसरान से और रेंजर्स के आला अफसरान से, डीसी एसी से भी इस सिलसिले में मीटिंग कर रहे हैं ताकि रमज़ान की आमद आमद है और तारिक रोड पे जो है पुलिस की नफरी की जो है ना बढ़ाई जाए और रेंजर्स की पेट्रोलियम भी बढ़ जाए, और ख़ास करके ये जो गलियों के अंदर और जो स्ट्रीट लाइट हैं इनको फाल किया जाए। डीसी और एसी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे कि जो रोड की साइडों पर जो है लाइटें बंद है वो फाल हो जाए, और डीआईजी ट्रैफिक से खुसूसी तौर पे हम दरख्वास्त करेंगे कि ये गैरकानूनी जो पार्किंग है मोटरसाइकिल की और गाड़ियों की लगी हुई है इनको ख़त्म करवाया जाए, इनकी सरपरस्तियों को बेनकाब किया जाए और उनको पकड़ के इनकी एफआईआर काटी जाए ताकि लोग जो है वो परेशानी से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्किंग मैसर हो। शुक्रिया। बिल्कुल लगाएँगे, और इंशाल्लाह इस दफ़ा कैंप लगाएँगे, बड़ा सा कैंप लगाएँगे, और सिक्योरिटी भी इंशाल्लाह सही करेंगे, टाइट रखेंगे, और कैमरे जो है ना मज़ीद इंशाल्लाह ज़्यादा करेंगे। और इसके अलावा महंगाई के वाले से क्या कहेंगे लोगों को, जो महंगाई का सामने तूफान आया हुआ है पेट्रोल तेल के ऊपर और लोग खरीदारी के लिए, लोग क्या किस तरह मनाई जाएगी? ये वाकई महंगाई बहुत ज़्यादा उरूज पे, और हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट से, और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा इन लोगों को आवाम को सब्सिडी दे दे, और ख़ास तौर पे जो पेट्रोल जो आजकल महंगा हो के जा रहा है, बिजली लोग बिल अदा नहीं कर सकते, बिल्कुल लोगों का हाल ख़राब है। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट को सब्सिडी दे दे और ताकि आवाम की परेशानी का हल हो जाए। तो ताजिर बरादरी कितना सपोर्ट करेगी आवाम को, कस्टमर को अपनी ज़रूरतें ठीक करने की? बिल्कुल, ताजिर बरादरी सपोर्ट करेंगे आवाम को, और ख़ास तौर पर हमारे जो अलमुस्तफ़ा ट्रस्ट जो है वहाँ से अजी हनीफ तैयब साहब जो पानी है वो हर साल मदद कर रहा है ट्रस्ट की तरफ से, इंशाल्लाह इस साल भी करेंगे गरीबों के साथ। हम गरीबों का खेल नहीं छोड़ेंगे, साथ होंगे इंशाल्लाह और हेल्प ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तारिक रोड ट्रेडर अलायंस की तरफ से इंशाल्लाह भरपूर तावन करेंगे इंशाल्लाह। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।